जिला मैनपुरी में टूनला से गौरैया जा रही इंडियन ऑयल की पाइपलाइन एवं रेवाड़ी से कानपुर जा रही हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर पेट्रोल रिसाव व आग की सूचना पर प्रशासन अधिकारी व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। तत्पश्चात मॉक ड्रिल की जानकारी होने पर राहत की सांस ली। IOCL उत्तरी क्षेत्र में पाइपलाइन आगरा के उप महाप्रबंधक श्री अमन सिन्हा ने बताया कि शुक्रवार को टूनला गौरैया पाइपलाइन में रिसाव व आग की लेवल तृतीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं आपदा प्रबंधन की तैयारी का जायजा लेने हेतु जिला मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे रोड के निकट ग्राम मनोना में किया गया। यह मॉक ड्रिल इंडियन ऑयल एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कंट्रोल रूम के द्वारा उक्त पाइपलाइन में प्रेशर में कमी होती देख रिसाव की संभावना के मद्देनजर संबंधित अधिकारी DGR गार्ड को सूचना दी गई, जिसके उपरांत संबंधित अधिकारी DGR गार्ड ने मौके पर पहुंचकर रिसाव की पुष्टि की। उक्त सूचना की प्राप्ति पर उप महाप्रबंधक ने मेंटेनेंस एवं अग्निशामन दल को मौके पर भेजा तथा उक्त रिसाव की सूचना IOCL प्रबंधन एवं जिला प्रशासन को दी। रिसाव को ठीक करने के दौरान बिखरे हुए तेल में आग लग गई। उक्त रिसाव व आग की सूचना पर तुरंत प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं अग्निशामन विभाग के कर्मचारियों ने IOCL के अग्निशमन टीम के साथ मिलकर आग पर नियंत्रण पाया, जिसके उपरांत रिसाव को बंद किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान उप जिला अधिकारी करहल श्री गोपाल शर्मा उपस्थित रहे। जैसा SDM सर ने बताया, ये एक गांव वाले लोग खुदाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या है कि HPCL और IOCL दोनों की लाइन साथ साथ में चल रही है और गांव वाले खुदाई कर रहे हैं। खुदाई करना अपने आप में वो इलीगल काम है। जो 18 मीटर की ROW की पट्टी इंडियन ऑयल की है और 18 मीटर की ROW की पट्टी HPCL की है, ये पूरे एरिया में किसी भी टाइप का खुदाई करना, पेड़ पौधे लगाना, अतिक्रमण करना, ये गैर कानूनी है। यहाँ गार्ड आए, ऑब्जर्व किया कि खुदाई कर रहा है, उसने मना करके गया। गार्ड के जाने के बाद में फिर से वो खुदाई करना स्टार्ट कर दिया और खुदाई करना स्टार्ट किया, उसके पाइपलाइन डैमेज हो गई और तेल का रिसाव होने लगा। तब गांव वाले लोग वापस गार्ड को बोल रहे हैं कि जल्दी आप आ जाइए। गार्ड आके देखा और फिर हम लोग को कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया। कंट्रोल रूम से हम लोग की जो मौसरू है वो आ गई। हम लोगों ने हमारे म्यूचुअल एड पार्टनर हैं HPCL, उनको इन्फॉर्म किया। उनकी फायर हाइड्रेंट फायर टेंडर आई, मेंटेनेंस टीम आ गई। टीम आके वो मेंटेनेंस कर रही थी, जैसा आप लोगों ने देखा। इस मेंटेनेंस के दौरान ही आग लग गया, जिसको बहुत ढंग से सुरक्षित वे में कंट्रोल कर लिया गया। और इतने क्विक रिस्पॉन्स के लिए मैं प्रशासन का, अपने मेडिकल टीम का, डिस्ट्रिक्ट के फायर टीम की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का सबको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग के माध्यम से मैं ये फिर से बोलना चाहता हूँ कि ROW का एरिया जो है, उस एरिया में सारे ग्रामीण लोग जागरूक रहे, इसमें किसी भी टाइप की अतिक्रमण या खुदाई, पेड़ पौधे ना लगाए। और अगर ऐसा अगर कोई दूसरा करता है तो आप लोग एक जागरूक नागरिक की तरह सूचना दें। सूचना के लिए हर एक जगह पे फ़ोन नंबर लगे हुए हैं, हमारे जो सूचना पट्टी है उस पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। गार्ड्स भी चलते रहते हैं, उनको भी फ़ोन नंबर मालूम है, तो वो तुरंत हम लोग को इन्फॉर्म करेंगे और जैसा भी है हम लोग आकर देखेंगे या प्रशासन के सहयोग से उसको फिर ठीक करेंगे। पाइपलाइन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी सुरक्षित तरीके से रखना इंडियन ऑयल, HPCL और प्रशासन का ही नहीं कार्य है, हम लोग सबका कार्य है। किसी भी टाइप का नुकसान जो है वो राष्ट्र का पैसा का ही नुकसान है, तो हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें और इस टाइप की जो कार्य जो लोग करते हैं इलीगल, उन लोगों को मना करें और ना करने दें। आज सर जो कार्यक्रम था पूरा, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? ये जो आज कार्यक्रम था, ये IOCL और HPCL और जितनी हमारी पार्टी में पड़ाती है, उनकी एक मॉक ड्रिल थी। इसमें बेसिकली इस चीज़ के बारे में समझाया गया, अगर आसान भाषा में कहें तो जो पाइपलाइन हमारी अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो होती है, जिससे तेल का परिवहन किया जाता है, उनमें अगर कोई व्यक्ति खुदाई करते समय या DCB चलाते समय अगर वो पाइपलाइन फट जाए और उससे तेल का लीकेज हो, तो उस पर कैसे काबू पाया जाए, इसके लिए एक मॉक ड्रिल था। इसमें बेसिकली तीन लेवल बताए गए थे। लेवल वन में जो इनर अपने कैंपस में अगर पाइपलाइन का लीकेज होता है, तो उसमें जो इंजीनियर और उनके साइट जो वर्कर्स हैं वो अपने स्तर से डील करते हैं। लेवल टू में जो साइट वर्कर्स हैं वो प्लस गांव वालों का कोऑपरेशन, जिस इलाके में वो पाइपलाइन है उनका लिया जाता है। और लेवल थ्री में, जो कि बड़ा लेवल है और डिजास्टर मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है, उसमें प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।
आज इस मॉक ड्रिल में ये हमने देखा कि एक जेसीबी जो नीचे से अंडरग्राउंड पाइपलाइन जा रही थी वहाँ खुदाई कर रही थी, और वो खुदाई करते समय पाइपलाइन फट जाती है। पाइपलाइन फटने के बाद में वहाँ से तेल का रिसाव होता है, तेल का रिसाव बहुत ज़्यादा होता है, और उसको जो इनके साइट और जो इंजीनियर्स हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये लेवल 3 का डिजास्टर है। इसके लिए फिर अचानक से जो गांव वाले होते हैं वो तेल भरने के प्रयास करते हैं। तेल भरने के प्रयास में कुछ लोग वहाँ पे बीड़ी या सिगरेट का धूम्रपान करने की वजह से और आग लग जाती है। उस आग पे पहले अपने स्तर से काबू पाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब लगता है कि आग पे काबू नहीं पाया जा रहा है तो फिर वो प्रशासन को कॉल करते हैं। प्रशासन अपनी फायर टीम भेजती है और फायर टीम भेज करके उस आग पे काबू पा लिया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जब आग बुझ जाती है तो उसमें कुछ लोग दुर्घटना से ग्रसित होकर के घायल भी हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत वहाँ मेडिकल टीम भेज करके उनको सपोर्ट करा के और एम्बुलेंस के थ्रू उनको अस्पताल में भेजा जाता है। तो बेसिकली ये जो आज के मॉक ड्रिल था, ये फायर एक्सटिंग्विशर की जो टीम है वो हमारी मेडिकल टीम, हमारी पुलिस की टीम जो वहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी रेस्ट कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है इनके, और जो हमारी पेट्रोलियम पाइपलाइन के जो इंजीनियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके सबकी मदद से इस बड़े डिजास्टर पे कैसे काबू पाया जाता है, आज का पूरा एक मॉक ड्रिल जो था वो इसी के संज्ञान में था, और इसी को लेकर के गांव वालों ने इसे सीख भी मिली है, और लोगों को ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों में ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम इन टीम्स के माध्यम से मॉक ड्रिल करा करके चलाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छा और मतलब बढ़िया कदम है, और चूँकि मैं अनभिज्ञ था मुझे भी आज बहुत कुछ नया यहाँ सीखने को मिला है, तो मैं इसके लिए इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ।